जो भी काम करते वक्त आप उसमें लीन हो जाएं, वो मेडिटेशन है। मनकों में मेडिटेशन नहीं है, मनकों में मेडिटेशन नहीं है। जिस मूवमेंट में अभी हो, अगर यही हो, अगर मेरे को सुन रहे हो और ध्यान कहीं और नहीं है, तो इस समय आप मेडिटेटिव स्टेट में। अगर ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते वक्त उसके ब्रिसल्स को अपने मसूड़ों पर, अपने दांतों पर फील कर रहे हो, तो आप मेडिटेशन में हो। अगर नहा रहे हो, जो पानी आपके शरीर को स्पर्श करता जा रहा है उसको महसूस कर रहे हो, तो आप मेडिटेशन में हो। अगर लिख रहे हो, लिखते वक्त अपने हाथ पर जो फील आ रहा है टेक्सचर का, वो महसूस कर रहे हो, तो आप मेडिटेशन में हो। खाना बनाते वक्त आपका ध्यान केवल खाने पर है, ये नहीं कि किस कौन कौन आ रहा है, कितना बना रही हूं, केवल खाना बनाते वक्त है, तो आप मेडिटेशन में हो। संगीत सुनते वक्त अगर आप उस संगीत में खो जाओ, तो आप मेडिटेशन में हो। एक पेंटर जब एक पेंटिंग बना रहा है, तो वो जो स्ट्रोक्स चलाता है, उस वक्त उसे कोई ध्यान नहीं रहता, तो वो मेडिटेशन में है। तो आपको जो भी करना अच्छा लगता है, जो भी अवस्था, डांस करना अच्छा लगता है, डांस कीजिए, वो आपकी मेडिटेशन है। किताब पढ़ना अच्छा लगता है, किताब पढ़ते वक्त खो गए, डीप स्लीप में चले गए, वो आपकी मेडिटेशन है। मेडिटेशन आपको आपके साथ कनेक्ट करने की विधा है, स्वयं के अंदर ले जाने की विधा है। मेडिटेटिव स्टेट उसको कहा गया कि मेडिटेट करना, स्वयं के अंदर चले जाना, वो मेडिटेशन है। मंदिर में जाकर मेडिटेशन नहीं होती, क्योंकि मंदिर का अर्थ भी मन के अंदर है। मन के अंदर चले गए तो मेडिटेटिव स्टेट में हो, अन्यथा नहीं हो। तो मेडिटेशन जब मैं बोल रहा हूं करने के लिए, तो इसका अर्थ यह है कि आपको जीवन में कोई तो भी एक ऐसी हॉबी बचपन में रही थी जो करने से आपको अच्छा लगता है अंदर से, चाहे गॉसिप ही करना अच्छा लगता है, तो आप दिन में 5 मिनट गॉसिप करो, क्योंकि वो आपकी मेडिटेशन है। कहने का अर्थ यह है कि मेडिटेशन यानी कि जो काम करते वक्त आप उसमें लीन हो जाओ, उसमें मिल जाओ, उसमें रम जाओ, वो मेडिटेशन है। कबीर कहते हैं कि माला कहे है काठ की, तू क्यों फेरे मोहे, मन का फेर ले तुरंत मिला दू तो है। कि मन का फेर ले, काठ कहते हैं लकड़ी को, कि माला कहे है काठ की, लकड़ी की माला कहती है, तू क्यों फेरे मोहे, मन का फेर ले तुरंत मिला दू तो है। कि मन का यानी कि मन से मिल जा, तो उस परमात्मा से मिलना है, क्योंकि पंच महाभूत आप ही हो, परमात्मा आप ही हो। परम आत्मा इसलिए कहा गया कि परम आत्मा, आप स्वयं वो परमात्मा हो, पर आप जानते नहीं, क्योंकि मैंने तो भगवान को यदि देखा है तो आप लोगों के अंदर देखा है, जिनसे मैं मिलता हूं उनके अंदर देखा है, और हर एक के अंदर वो परमात्मा है।